कि इसकी फिक्र करने के लिए पहले हम ये देखें कि ईमान वाले हैं कौन। कई मरतबा इस पर जब बात होती है कि हमें ईमान की फिक्र करनी चाहिए, तो एक ऐसा आदमी जो ज़ाहिरी तौर पर किसी तौर पर ईमान पर नहीं है, मसलन हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो आदमी जिस पर नमाज फ़र्ज है और उसके बावजूद जानबूझकर नमाज छोड़ गया, और जानबूझ का मतलब क्या निकला, बेहोश नहीं था, होश में था, और नमाज कज़ा करने के लिए कोई ऐसा हंगामा नहीं था जिससे नमाज कज़ा हो सकती हो। हंगामा कौन सा, मसलन एक आदमी ऐन मैदान जंग में है तो क्या नमाज पढ़े के कज़ा करें। फरमाया फरिजालन और रुकबाना, अगर सवारी पर है तो सवारी पर नमाज पढ़े, और अगर सवारी पर नहीं पैदल चल रहा है तो चलते चलते नमाज पढ़े। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने पढ़कर दिखाई, चलते चलते भी और सवारी के ऊपर भी। ये भी नमाज कज़ा करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन ऐसा हंगामा हो जाए कि जिसमें एक लम्हे की फुर्सत ही ना मिल सके, आदमी न सवारी पर पढ़ सकता है, न पैदल पढ़ सकता है, या बीमार है, इशारे से भी नहीं पढ़ सकता है। अब इशारा के लिए सर हिलना ज़रूरी है, बंदे का सर भी नहीं हिल रहा है, या कोमे में चला गया है और दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर अब नमाज उस तरह फ़र्ज नहीं रही, गुंजाइश हो गई। अगर कज़ा हो जाएगी, जब होश में आएगा, जब हालात बनेंगे, तो उसको बताया जाएगा तुम्हारी इतनी नमाजें कज़ा हो गई, वो कज़ा पढ़ेगा। और अगर इसी हालत में मर जाएगा तो उस पर फ़र्ज है कि ज़िंदगी में अपने वारिसों को बता कर रखे कि अगर मेरी नमाजें छूट गईं तो उसका ये फ़िदिया अदा करना। ये उज़र नहीं है बंदे को, दुकान में है, ग्राहक ज़्यादा आ गए हैं, या और कोई मसला है और नमाज छोड़ देता है। और कितने जो कई कई वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, इन सब के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़कद कफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया, हो गया वो काफिरों के खाते में। लेकिन एक ऐसा आदमी जो नमाज पढ़ता ही नहीं है, बस कभी कभी पढ़ लेता है जब माहौल बनता है, सब नमाज पढ़ने वाले होते हैं तो फिर वो भी पढ़ लेता है, या जुमे का दिन होता है तो सारे लोग जाते हैं जुमा पढ़ने, ये भी जुमा पढ़ने लग जाता है। ऐसा आदमी जो नमाज पढ़ता ही नहीं, अगर इसको भी आप कहें कि आपका ईमान कमज़ोर है तो थप्पड़ मारेगा आगे से, मेरा ईमान कमज़ोर है, मैं इतना पक्का मोमिन हूँ, अल्लाह के हबीब फरमा रहे काफिर है, ये कहता है मैं पक्का मोमिन हूँ। एक आदमी पर ज़कात फ़र्ज है और ये ज़कात नहीं दे रहा है और बरसों से नहीं दे रहा है, और नमाज पढ़ता है और पहली सफ में आकर पढ़ लेता है, और तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं हजरत, इशराक अवाबीन भी पढ़ते हैं इशराक। अगरचे बेशुमार लोग इस तरह जो नमाजें पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं, ताकि हमारी रोज़ी में बरकत हो, इसलिए पढ़ते हैं ताकि कारोबार अच्छा चले, इसलिए पढ़ते हैं कि घर में बीमारियाँ शिमारियाँ ना आएँ, सेहत अच्छी रहे, ये सारे काम कर रहा है मसलन मान लें, मगर ज़कात नहीं देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो ज़कात दे मगर जो निज़ाम हुकूमत मुसलमानों का मौजूद हो और उस वक्त में जो फ़र्ज था उस पर कि हुकूमत को ज़कात दे, वो हुकूमत को नहीं देता है, इनफरादी तौर पर अपने पड़ोसी को दे देता है, फरमाते हैं उसके साथ भी जंग करेंगे। और जो ज़कात में ऊँट दे, ऊँट वाला ऊँट दे रहा है, गाय वाला गाय दे रहा है, बकरी वाला बकरी दे रहा है, और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट के साथ रस्सी भी देता था ऊँट को बांधने के लिए, अब वो ऊँट तो देता है रस्सी नहीं देता है, फरमाते हैं उसके साथ भी जंग करेंगे। और जो एक चीज़ का भी मुनकिर हो जाए, कहे कि मैं मतलब कभी एक वक्त में ही कह दे कि मैं नहीं ज़कात दूँगा, तो उसके कुफर में किसी को कोई शक हो सकता है ही नहीं शक किसी को। मगर कोई ऐसा आदमी जिसने ज़िंदगी में ज़कात दी नहीं और आप उसको कहें कि आपका ईमान कमज़ोर है, मानेगा वो? हाय हाय, अल्लाह बचाए।
वो कहता मैं बड़ा पक्का मोमिन हूं, कौन कहता है मेरा ईमान कमजोर है, मेरे से मजबूत किसी का ईमान हो सकता है? हजरत आपने कभी लेवल चेक कराया है? एक आदमी कहता है मुझे बिल्कुल कभी बुखार नहीं हुआ, और डॉक्टर साहब कभी लगाकर तो देखो आपको कितना टेम्परेचर रहता है। एक आदमी कहता है मुझे बिल्कुल शुगर नहीं है, चेक कराई, कहते चेक वेक मैं नहीं कराता हूं, मैं कभी डॉक्टरों के यहां जाता ही नहीं हूं। एक आदमी पर हज फर्ज है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस पर हज फर्ज है और वो देख रहा है कि हालात मौत के बन रहे हैं, बुढ़ा हो रहा हूं, बीमारियां मुझे घेर रही हैं, और कोई फिक्र नहीं उसको हज करने की, और कोई तड़प भी नहीं उसके अंदर हज करने की, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि ये यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर के मरे। मगर ऐसे आदमी को अगर आप कहें कि आपका ईमान कमजोर है, आपने अभी तक हज नहीं किया, वो मानेगा मेरा ईमान कमजोर है? अस्तग़फिरुल्लाह, कैसे मानेगा? क्यों? इसलिए कि उसको मालूम ही नहीं ईमान किसको कहते हैं। वो समझा कि मुसलमान एक पार्टी का नाम है, बल्कि आप पार्टी को भी छोड़ो, मुसलमान एक बिरादरी का नाम है। उस बिरादरी में जो जो पैदा होते रहते हैं वो मुसलमान होते हैं, और जो उस बिरादरी में नहीं पैदा होते हैं वो काफिर होते हैं। उसको ये नहीं मालूम कि एक सोच का नाम ईमान है, एक फिक्र का नाम ईमान है, एक अकीदे का नाम ईमान है। जो उस अकीदे पर होता है वो ईमान वाला होता है, और जो उस अकीदे पर नहीं होता वो ईमान वाला नहीं होता है। आज कितने लोग हैं जो अगर किसी के बारे में ये सुने कि ये पूरे कुरान को मानता है, कहते बड़ा कट्टर किस्म का मुसलमान है। ऐसे मुसलमान थोड़े होने चाहिए, आदमी लिबरल रहना चाहिए, इधर भी रहे उधर भी रहे। अल्लाहु अकबर, क्या मक्का के काफिर सारे कुरान के मुनकिर थे? कुरान पाक में मौजूद है मक्का के काफिर भी कुरान को पसंद करते थे, मगर क्या कहते थे? ईति बि कुरान गैरी हाज़ा, कुरान पाक में है, सूरह यूनुस में है, ये कुरान बहुत अच्छा है लेकिन इसमें थोड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पसंद नहीं हैं, इसलिए ईति बि कुरान गैरी हाज़ा, इस कुरान के अलावा कोई दूसरा लेकर आ जाओ आप, जिसमें वो बातें ना हों जो हमको हलक से नहीं उतरती हैं। और वो कौन सी बातें? खास तौर से जो उनके दिमाग में बातें बैठी हुई थी दीन के ताल्लुक से, उन बातों का जो कुरान ने इनकार किया, मसलन शिर्क का मसला। और शिर्क का भी क्या अजीब उनका तसव्वुर था, आप जरा तसव्वुर की दुनिया में देखें मुसलमानों में कितनी बड़ी तादाद है आज कलिमा पढ़ने वालों की, जिनके ईमान का लेवल यही है जो मक्का के मुशरिकीन का है। मक्का के मुशरिकीन क्या खुदा की जात के मुनकिर थे? बोलिए, उनमें से कोई एक भी ऐसा बंदा हो जो कहे कि खुदा है ही नहीं? कुछ चंद लोग शायद उस जमाने में भी होंगे अथिष्ट किस्म के, दहरीय किस्म के, जिनके लिए खुद कुरान पाक ने कहा कि वो कहते हैं नमूत व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर, हम तो बस पैदा होते मरते रहते, एक सिलसिला चल रहा है और हमें कोई चीज नहीं मारती है सिवाय जमाने के, नेचर बस एक है, तरीका चल रहा है, घास उगती है कटती है सूखती है, इसी तरह हम भी पैदा होते हैं बड़े होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं बड़े होते हैं मरते हैं, नमूत व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन। लेकिन भारी तादाद उनकी कैसी है? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनमें से किसी को खुदा नहीं मानते, 313 खाना काबा के अंदर और 5 बड़े मक्का के हर कोने में रखे हुए, और उसके अलावा हर टेढ़ा पत्थर एक खुदा, उस तमाम के बावजूद क्या कहते? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनकी पूजा थोड़ी करते हैं, हम इनकी इबादत थोड़ी करते हैं, हम तो सिर्फ इसलिए इनकी पूजा करते हैं ताकि ये हमको अल्लाह के करीब कर दे। और हाउलाई शुफाउन इंदल्लाह, अल्लाह के करीब कैसे करते हैं? ये अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं, हमारे काम बना देते हैं, हम इसलिए इनकी पूजा करते हैं। हम कोई मुशरिक हैं? हम तो मानते खुदा एक है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है, ये तो सिर्फ उसके करीब करने के लिए हैं। ये वो सोच थी जो कुरान पाक ने पेश की, फरमाया ना मुखलिसीन लहुद्दीन कुल उमिरतु रब्बी, फरमा दीजिए मेरे रब ने मुझे हुक्म दे दिया है अन्नाबुदुल्लाह, मैं उसकी इबादत करूं मुखलिसीन लहुद्दीन,
इबादत को उसके लिए खालिस करके, बिल्कुल खालिस, उसमें बिल्कुल मिलावट नहीं। अगर जरा सी भी मिलावट होगी अल्लाह के हम वो काबिल कबूल नहीं है वो इबादत। लेकिन मुसलमानों में कितने लोग ऐसे हैं, दाएं बाएं आप देखते हैं कि वो तौहीद के बारे में बिल्कुल खालिस नहीं है।